तो जिम से पहुंच गए हैं घर, और आपको मैं बता दूं कि लेट आज पहुंचा। राज भैया ने पूछा कि क्यों लेट आए हो भैया, तो मैं बोला यार आज भूल गए थे कि आज मंडे है, संडे नहीं है, तो इसी चक्कर में लेट हो गए। तो चलो आज का शेड्यूल जो है वो थोड़ा यहाँ वहाँ है, पर अभी मैंने जो पिछला व्लॉग है वो एडिट नहीं किया, तो उसको एडिट करेंगे बैठ के। और अभी कहीं मुझे निकलना है काम से, तो मैं निकलता हूँ और फिर आता हूँ और बैठता हूँ, एडिट करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे नींदी लग रही है, नींदू लग रही है। गाड़ी चला रहे हो? बाइक राइड करोगे अभी से? अच्छा, अभी तो नींदी आ रही थी, बाइक पे बैठ के नींदी नहीं आ रही है? हैं, बाइक पे बैठे हो तो नींदी नहीं आ रही है? ओए बाइकर, ओए बाइकर, ओ छोटे बाइकर, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे राइड करके? देखो बदमाश को, जाके सो, सो जाके, जाके सो। नहीं, बाद में राइड करना, बड़े हो जाना, लाइसेंस बन जाएगा तो राइड करना। क्या कहाँ जाना है? अब क्या मस्ती? नमस्ते। नमस्ते कर दो सबको। हाँ नमस्ते, क्या हाल चाल आप सबके? बढ़िया है, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑलवेज ड्राइव पे, क्योंकि मेरी बाइक पे स्टिकर लगा हुआ है आर्मी का, तो वो आर्मी का स्टिकर मैं हटवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पापा एक्स आर्मी मैन थे। और उस टाइम पे मैंने बाइक जब ली थी, आपको मैं बता दूँ कि बाइक मैंने अपनी इनकम से ली, और वहाँ पे आर्मी लिखने का कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि बाइक भी मेरे नाम पे है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हाँ, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि मैंने अपने इनकम से तो ली, पर फिर भी ऐसी इतनी इजीली नहीं मिल गई, बहुत ज़िद करना पड़ा तब जाके मिली। क्योंकि फादर बोल रहे थे यार किसी बिज़नेस में लगाओ, ये लगाओ, इसमें पैसा क्या लगा रहा। मैं बोला यार 2-3 लाख रुपए की बाइक है, उसमें कौन सा बिज़नेस करूँगा मैं, होता हो जाता इज़िली। पर मैंने सोचा था कि यार जब भी अपनी खुद की इनकम करूँगा तो एक स्पोर्ट्स बाइक तो लूँगा ही लूँगा। तो ये मैंने जब पहली बार देखी तो पसंद आ गई, रेड कलर में, रेड कलर मेरा फेवरेट है इस वजह से। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ सामने ये जो स्टिकर लगा हुआ है आर्मी का, ये मुझे स्टिकर हटवाना है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो यूट्यूब प्रतीक राय लिखा है, ये असल में इसलिए नहीं लिखा है कि मेरा यूट्यूब चैनल है प्रतीक राय नाम से, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये यूट्यूब की जो पी आर प्ले की इनकम है, पी आर प्ले चैनल जो है, पूरा उसी की इनकम से ये मैंने बाइक ली है, इसलिए यहाँ पर यूट्यूब से ली है प्रतीक राय ने बाइक, इसका मतलब ये है। तो अभी चलते हैं। ये स्टिकर जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि खुद से हटाने की कोशिश की थी मैंने, बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ऑलवेज ड्राइव पे जाके इस स्टिकर को हटवाया जाए। तो ये है यहाँ पे, यहाँ पे है ये 11 TVS। कल यहाँ पे मैंने जो है छापा मार दिया विद कैमरा सर्विस सेंटर पे, और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, प्रीवियस व्लॉग है इसके। तो बस यहाँ से अब लेना है यू टर्न, और बस कुछ समय में हम पहुँच जाएंगे ऑलवेज ड्राइव। अब हम पहुँच चुके हैं ऑलवेज ड्राइव पे। मैं पहुंच गया हूं यहां ऑलवेज ड्राइव पे, और पीछे एक फॉर्च्यूनर खड़ी है जिस पे वर्क चल रहा है, और साथ ही में फिर उसके बाद मेरी बाइक का जो स्टिकर है वो हटवाना है, और फिर जल्दी से निकलना है क्योंकि व्लॉग भी एडिट करना भी। तो छुटकारा मिला स्टिकर से, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऑलवेज़ ट्राई का स्टिकर और नीचे यूट्यूब का स्टिकर रह गया है। अब यहाँ से आर्मी का जो स्टिकर वो अब हटा दिया गया है। एक बार ओपन करवा लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम।
यहाँ मेरे एक फ्रेंड की शॉप है, थोड़ा रुक लेते हैं वहाँ आइसक्रीम पार्लर में। और क्या हाल चाल? बस बढ़िया, अपना बताओ। बढ़िया, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। गाड़ी देखो चमक रही है, सेरेमिक कोटिंग हुई है इस पर, इसलिए चमक रही है। अब कपड़ा एक बार भी नहीं मारा मैंने तब से, जब से कोटिंग हुई है 3 हफ्ता हो चुका है, एक बार भी ना कपड़ा मारा है ना कुछ मारा है। तब देखो ये हाल, कवर भी नहीं ढकता हूँ इस पर, जब से कोटिंग हुई है तब से कवर तक नहीं ढकता हूँ मैं इस पर। धूप में ऐसी खड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है जो नई बाइक निकाल के लाते हैं लड़के, अभी मेरे पास पिछली राइड पर एक लड़का मिला, 3 महीने पुरानी बाइक थी उसकी, 3 महीने पुरानी और ये 3 साल पुरानी। वो मेरी बाइक देख रहे हैं, बोल रहे यार आपकी तो चमक रही है। सोचो, चलो चलें, मिलते हैं फिर। तो आज हम लोग जा रहे हैं आलमबाग की तरफ, और अब बाइक छोड़ के स्कूटी पे हूँ क्योंकि आर्यन अपने फ्रेंड के साथ आया है, आयुष, वो भी स्कूटी पे है, इस वजह से मैं भी स्कूटी पे हूँ। तो बस अब निकल गए हैं हम लोग और पहुँचते ही हैं बस आलमबाग की तरफ, और वहाँ पे कुछ काम है उसको निपटा के फिर वापस यहीं पे आएंगे। तो जहाँ हमें काम था वो ख़त्म हुआ, और आयुष ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाते हो डाइट फूड वहीं पे मेरे को भी खाना है। आज के ब्लॉग में इतना ही, कल हमें काफ़ी कंपनियों से मीटिंग करने जाना है किसी सिलसिले में, तो कल के ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत। वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनों को खुश रखिएगा, खुद खुश रहिएगा। खुद खुश रहने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिएगा। सी यू अगेन।